self-defense is an important aspect of personal safety and security. It helps individuals to be better prepared for potential dangers and empowers them to protect themselves and their loved ones in emergency situations. It also helps to build confidence and improve physical fitness. Additionally, learning self-defense can also help to promote better decision-making skills and enhance overall awareness of one's surroundings. By learning self-defense, individuals can better protect themselves and their families and feel more secure in their daily lives. The fit in mental health. So, as a part of the Fit India movement, we are proud to present a demonstration of self-defense and martial arts by our skilled students. The teachers who train these children are Dr. Stylevan Pillai and Srimati Bhavna M. Please join us in welcoming our students as they showcase their abilities and dedication to this important practice. जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना। जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर साथ ही इन्हें एक दायरा भी समझाया जाता है। खुद की जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। अरे देख लड़कियां आ रही है, चल इन्हें परेशान करते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, जरा हमें भी ले चलो। अरे हम हैं, हमें तो जानती हो। ओ लड़की तुम्हें ही क्यों परेशान करते हैं, ढंग के कपड़े पहना करो। ऐसा करो अपना रास्ता बदल लो, कल से दूसरे रास्ते से जाना, समझी? पर ये तो एक समस्या का हल नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है यार? ये फोन भी क्या गजब की चीज है। मोबाइल फोन से पढ़ाई, कैलकुलेशंस सब कितना आसान हो गया है। इंटरनेट से जो चाहे वो देख सकते हैं और दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। फोन पर इतने गेम्स खेल सकते हैं कि बाहर जाकर खेलने की जरूरत ही नहीं है। सारा दिन कहाँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या है? कुछ भी कहो, आज तुम्हें अपनी सारी दुख, सारी परेशानियां, निराशाएं और जिम्मेदारी भूल ही गया। अपनी निराशाओं से निजात पाने का यही सही रास्ता है। न दुनिया की चिंता न दुनियादारी की फिक्र, अपनी ही मस्ती में खोए रहने का अलग ही मजा है। लेकिन दुखों से भागना सही कैसे है? खुद को गर्द में धकेलने में समझदारी तो नहीं है। तो समझदारी किसमें है? अरे वह देखो, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अच्छा है ना, अभी से ही काम करने की आदत पड़ जाएगी। पर ये तो उनकी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र है। अरे माता पिता की आर्थिक सहायता भी तो कर रहे हैं वे। आज के समय में पैसा कितना जरूरी है क्या तुम नहीं जानते? क्या इस देश में बिना पैसे के कुछ चलता है? पर पढ़ने की उम्र में काम, ऊपर से मालिक का अत्याचार सहना, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो होना क्या चाहिए? इसका हल है कि हमें अनाचार, अत्याचार, भटकाव से खुद ही लड़ना होगा। खुद को शारीरिक रूप से सक्षम बनाकर मानसिक सक्षमता लानी होगी। आगे तुझको हर हाल में बना होगा, कुछ न कुछ तो तुझे करना होगा। टूटी हिम्मत की मरम्मत फिर करनी होगी, फूटी किस्मत से ही सही पर ये लड़ाई लड़नी होगी। कदम आगे बढ़ाना होगा, तुझको साहस दिखाना होगा, तुझको साहस दिखाना होगा, तुझको साहस दिखाना होगा। Thank you.
बदल जाएगा कल का सूरज नया जोश लाएगा हालातों से लड़ रहे हो भले जिंदगी बदल जाएगा आगे है बढ़ना बढ़ते ही जाना रामों की ठोकरों से कभी ना घबराना धूप और छाव आते जाते रहेंगे संकल्प पथ से तनिक ना भटकना जो मन में रहेगी आशा तो हर पल मुस्कुराएगा हर पल मुस्कुराएगा वक्त है बदल जाएगा वक्त है बदल जाएगा।